Good morning, students. So today I am going to explain the adjustment of abnormal effectives or abnormal gain. इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स मैंने आपको रिकॉर्ड करके भेजे हैं उसमें मैंने आपको लॉस इन वेट, नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज ये तीनों एडजस्टमेंट एक्सप्लेन कर दिए. ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द एडजस्टमेंट ऑफ एबनॉर्मल इफेक्टिव्स. ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबनॉर्मल इफेक्टिव्स? एबनॉर्मल इफेक्टिव्स यूनिट्स या एबनॉर्मल गेन का मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस में जो प्री डिटरमाइंड नॉर्मल लॉस है वो होने के बाद भी जो एक्चुअल आउटपुट है वो एस्टिमेटेड आउटपुट से ज्यादा बन गया हो तो वो जो डिफरेंस होता है वो यूनिट्स हमारी एबनॉर्मल गेन यूनिट्स कहलाती हैं. देखो मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझा रही हूँ. ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए. इन अ प्रोसेस 1000 यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस्ड, सो योर इनपुट इज 1000 यूनिट्स. फॉर्मेट आपका वही चलेगा, एबनॉर्मल गेन यूनिट्स की कैलकुलेशन के लिए भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए किया है, जो हमारा क्या था, इनपुट लेस नॉर्मल वेस्टेज और लॉस इन वेट. इनपुट यूनिट्स में से नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स माइनस की तो जो आता है वो क्या होता है, आपका आउटपुट शुड बी. इस आउटपुट शुड बी में से आप एक्चुअल आउटपुट विच इज गिवन इन क्वेश्चन माइनस कर दो तो आपके पास में या तो एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स आएंगी या फिर एबनॉर्मल गेन यूनिट्स आएंगी. ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को यहां पे देखो. इन अ प्रोसेस 1000 यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस, 1000 यूनिट्स उसने इंट्रोड्यूस की, 10% अलाउ एज स्क्रैप, स्क्रैप and normal loss, normal wastage, both are all are same thing. So 1000 का 10%, 100 units इसमें से minus कर दी. So output should be कितना आया, 900. अब इस output should be में से actual output कितना था, 930 units. तो मतलब 10% के normal wastage के बाद में output कितना बनना था, 900 units. लेकिन बना कितना, 930 यूनिट्स. इट मींस 30 यूनिट्स एक्स्ट्रा बन गया. दैट एक्स्ट्रा यूनिट्स इज कॉल्ड एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल इफेक्टिव्स यूनिट. ओके, अब यहीं पे स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार वापस रिवाइज करा रही हूं एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट का कॉन्सेप्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर दिस कि आप इस के डिफरेंस को समझ सको कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स एंड एबनॉर्मल गेन यूनिट्स. देखो अगर यही सेम क्वेश्चन है और आपको यहां पर ये दे रखा है, अज्यूम कर रही हूं मैं, ठीक है, कि जो एक्चुअल आउटपुट है वो 890 यूनिट्स बना. सो हमारा ऑप्शन क्या होता कि इनपुट कितना था, 1000 यूनिट्स, नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स कितनी है, 100. तो आउटपुट शुड बी कितना बनता, 900. मींस आउटपुट कितना बनना चाहिए, 900, लेकिन बना कितना एक्चुअल में, 890. मींस कम बना, 900 बनना चाहिए था, 890 बना. तो जो 10 यूनिट्स कम बना वो हो गई आपकी एबनॉर्मल वेस्टेज. आई होप आई क्लियर माई पॉइंट. ठीक है, अब इसी का अगर अपोजिट है कि 900 यूनिट्स बनना चाहिए था लेकिन बनी कितनी, 930 यूनिट्स, यानी 30 यूनिट्स एक्स्ट्रा बन गई, ज्यादा बन गई. ठीक है ना, वैल्यू नेगेटिव में आ रही है. अगर इस स्टेटमेंट के हिसाब से वैल्यू पॉजिटिव बचती है तो वो होता है एबनॉर्मल वेस्टेज, और अगर वैल्यू नेगेटिव बचती है तो उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल गेन यूनिट्स.
तो 30 यूनिट्स उसने ज्यादा बना ली। ऑब्वियसली ये यूनिट्स ज्यादा कैसे बनी होंगी, क्योंकि उस प्रोसेस में बहुत ही एफिशिएंटली वर्क किया गया होगा, तो नॉर्मल वेस्टेज होने के बाद भी उन्होंने 30 यूनिट्स ज्यादा बना ली। ठीक है, ऐसे इस मेथड से तो आप क्या निकालोगे, एबनॉर्मल गेन यूनिट्स निकालोगे। नाउ एबनॉर्मल गेन यूनिट्स का कॉस्ट किस पे निकालते हैं, वही कॉस्ट पर गुड यूनिट्स पर। एबनॉर्मल वेस्टेज की जैसे ही एबनॉर्मल गेन भी ऑलवेज कॉस्ट पर गुड यूनिट पर वैल्यू किया जाता है। नाउ नेक्स्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल गेन। अकाउंटिंग बुक्स में आप इसको कैसे दिखाओगे, प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड में, प्रोसेस अकाउंट में तो हम एबनॉर्मल गेन यूनिट्स को डेबिट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, और इसका प्राइस कॉस्ट पर गुड यूनिट पे वैल्यू करके डेबिट में दिखा देते हैं। सो प्रोसेस अकाउंट में एबनॉर्मल गेन यूनिट्स डेबिट में आता है। ठीक है, और इसके अलावा एक एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनता है, जैसे कि हम एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बनाते हैं वैसे ही हम एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी बनाते हैं। ठीक है, तो एबनॉर्मल गेन अकाउंट का ये फॉर्मेट है। ऑब्वियसली इसमें भी सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रोसेस अकाउंट से ट्रांसफर एंट्री लाओगे, प्रोसेस के डेबिट में लिखते हो तो यहाँ पर एबनॉर्मल गेन अकाउंट के क्रेडिट में बाय प्रोसेस से ट्रांसफर एंट्री आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में डेबिट साइड में यहाँ पर नॉर्मल वेस्टेज लिखा जाता है, और जो डिफरेंस होता है फिर उस डिफरेंस को पीएनएल कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम नॉर्मल वेस्टेज क्यों लिखते हैं वो आप समझिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो आपकी एबनॉर्मल गेन यूनिट 30 बनी थी, जिसका प्राइस अज्यूम कर रही हूँ मैं कि 900 की कॉस्ट आई, ये आप ट्रांसफर एंट्री लेकर आए प्रोसेस अकाउंट से। ठीक है, अब उस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि प्रोसेस में जो भी नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स होती हैं, जो भी स्क्रैप्ड यूनिट्स होती हैं, वो 4 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से सेल हो जाती हैं। ठीक है, तो हम ये मानेंगे कि इस 30 यूनिट्स को भी आप नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, तो उससे हम हमारे जो कॉस्ट का इफेक्ट है उसको कम कर लेंगे, और बैलेंसिंग फिगर में हम इसका क्या कर देंगे, कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है ना, ये वाला मैं आपको नीचे ये एक एग्जांपल समझा रही हूँ, उससे ज्यादा आपको ये एबनॉर्मल गेन क्लियर हो पाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स लुक ऑन द एग्जाम्पल, सॉरी नाउ दिस इज द एग्जाम्पल। सी फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर प्रोसेस एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट, मटेरियल लेबर अदर, हमें एक ही प्रोसेस अकाउंट बनाना है और उसके साथ में उसका एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना है। द नॉर्मल लॉस 10% ऑफ द यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, सेल प्राइस ऑफ नॉर्मल लॉस इज 4 रुपीज पर यूनिट एंड एक्चुअल आउटपुट इज दिस। ठीक, सबसे पहले प्रोसेस अकाउंट, हेडिंग डाला प्रोसेस अकाउंट। अब सारे एक्सपेंसेस देख लेते हैं, पहले मटेरियल आ जाएगा यूनिट्स में 6000 और प्राइस में 6000 × 15, लेबर 52 और 35 के एक्सपेंसेस, ये तो आ गया डेबिट में, ये लिख दिया आपने मटेरियल लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, अब बाय साइड की बात करते हैं, क्रेडिट साइड की। क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, मैं यहाँ पे सीरियल मार्क कर रही हूँ, नॉर्मल लॉस बाय नॉर्मल लॉस क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 10% का अलाउड है। ठीक है, जिसको वैल्यू किस पे करना है, 4 रुपीज पे करना है। सो 6000 यूनिट्स का 10% नॉर्मल लॉस हुआ 600, जिसको 4 रुपी पे वैल्यू किया, ये आ गया आपका 2400। ये फर्स्ट पॉइंट आएगा। इसके बाद में हम पहले बनाएंगे वर्किंग नोट। थोड़ा सा आपको बच्चों सीक्वेंस ध्यान रखनी है। ठीक है,
कि प्रोसेस अकाउंट में डेबिट में हम पहले सारे एक्सपेंसेस लेतेंगे। अगेन मैं आपको सीक्वेंस याद करवा रही हूँ कि क्रेडिट में सबसे पहले हम लॉस इन वेट या नॉर्मल लॉस या स्क्रैप के नाम से जो भी एंट्री दे रखी है वो लिख देंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे वर्किंग नोट पे। वर्किंग नोट यहाँ पर क्वेश्चन का पार्ट ही है, इसीलिए हर प्रोसेस का वर्किंग नोट उसी के नीचे बनेगा। उस वर्किंग नोट में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि क्या एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल गेन यूनिट्स हैं इस प्रोसेस में या नहीं है, और उसका क्या फॉर्मेट आपको लर्न करना है। इनपुट कितनी थी, 6000 यूनिट्स लेस नॉर्मल लॉस 600, सो आउटपुट शुड बी कितना है, 5400। आप हमेशा जो मैंने आपको नोट्स में सीक्वेंस भेजी आप उसी पे करो। ये रहा इनपुट, ये हो गया आपका नॉर्मल लॉस, ये हो गया आपका आउटपुट शुड बी। आउटपुट शुड में से हम क्या माइनस करेंगे, एक्चुअल आउटपुट। बिल्कुल उसी सीक्वेंस पे याद करो ताकि आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू आउटपुट शुड बी। आउटपुट शुड बी में से एक्चुअल आउटपुट माइनस कर दो तो क्या फिगर आया, माइनस 250। ठीक है, सो माइनस 250 यानी मैंने बताया अगर नेगेटिव में फेवर आएगा, आपको अलग अलग बार बार आपको हर सॉल्यूशन में अलग तरीके से ये कैलकुलेशन बताई गई है, उसको इग्नोर करो और सिर्फ डायरेक्टली मैंने आपको जो कैलकुलेशन बताई है आप वो करो। ठीक है, विच इज इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस आउटपुट शुड बी। आउटपुट शुड बी कितना है आपका, 5400 माइनस एक्चुअल आउटपुट, नेगेटिव में यूनिट्स आई यानी ये हो गई हमारी एबनॉर्मल गेन यूनिट्स। अब इस एबनॉर्मल, ये सारा करने का, इतना लिखने का आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इस एबनॉर्मल गेन यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो एबनॉर्मल गेन यूनिट्स की कॉस्ट भी, ये भी पूरा वर्किंग नोट ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है इतना याद करने की। ठीक है, एबनॉर्मल गेन यूनिट्स कि कॉस्ट किस पे फाइंड आउट होती है, कॉस्ट पर गुड यूनिट पे। और कॉस्ट पर गुड यूनिट का फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस ऑडियो में भेजा था, क्या था, टोटल कॉस्ट माइनस अमाउंट फ्रॉम नॉर्मल वेस्टेज। ठीक है, टोटल कॉस्ट यानी डेबिट के टोटल। अभी तक आपने ये तीन आइटम्स ही लिखे हैं, ठीक है, तो इन तीनों आइटम्स की टोटल कर लो। टोटल कॉस्ट मतलब डेबिट की टोटल, ये आइटम अभी नहीं आया है। ठीक है, अभी तक आपने जो एंट्री लिख रखी है वो कितनी लिख रखी है, सिर्फ ये तीन, इन तीनों की ऐड की आपने 1,77,000, अमाउंट फ्रॉम नॉर्मल वेस्टेज 2400, ये आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड माइनस नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स, कितनी यूनिट्स डाली थी, 6000, तो ये आ गई 6000, नॉर्मल वेस्टेज यूनिट 600, ये आ गया 600, ये आ गई आपकी कॉस्ट पर गुड यूनिट। अब सिंपल सा क्या करना है, ये हमारा वर्किंग नोट पूरा हो गया। अब हम जाएंगे प्रोसेस अकाउंट में और सबसे पहले एंट्री करेंगे डेबिट साइड पे, थर्ड नंबर पे। फर्स्ट अपन ने ये किया, सेकंड पे आप वर्किंग नोट बनाओगे, फिर वर्किंग नोट में आप एबनॉर्मल गेन यूनिट्स फाइंड आउट कर लोगे, कॉस्ट पर गुड यूनिट फाइंड आउट कर लोगे, ये पूरा एक वर्किंग नोट हो गया। फिर आप वापस से प्रोसेस अकाउंट में जाओगे, सबसे पहले आपको पता चल गया कि क्या है, एबनॉर्मल गेन यूनिट्स आई है। एबनॉर्मल गेन यूनिट्स प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में शो की जाती है, तो ये आपका प्रोसेस अकाउंट है, इसके डेबिट में लिखोगे टू एबनॉर्मल गेन, यूनिट्स में लिख दिया 250 और ये कॉस्ट पर गुड यूनिट पे वैल्यू करके ये लिख दिया, ये हो गया कंप्लीट। अब टू बाय साइड में आ जाओगे, फिर बाय साइड में आप एंट्री करोगे टू नेक्स्ट प्रोसेस, या अगर प्रोसेस का नाम दे रखा है वो लिख दिया। आउटपुट आपको गिवन है, इस आउटपुट को आपको जिस कॉस्ट पे वैल्यू करना था वो आपने वर्किंग नोट में निकाला, मल्टीप्लाई किया, लिख दिया, ये आपका प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट। नाउ अब ये देखो कि एबनॉर्मल गेन अकाउंट कैसे बनता है। तो एबनॉर्मल गेन अकाउंट में सबसे पहले तो आप ये प्रोसेस अकाउंट से ट्रांसफर एंट्री ले जाओ, प्रोसेस के डेबिट में है तो एबनॉर्मल गेन के क्रेडिट में ये आ गई ट्रांसफर एंट्री। ठीक है, अब ये करना है कि जैसे एबनॉर्मल लॉस
का असर हम प्रोडक्ट की कॉस्ट पर नहीं डालते, वैसे ही एबनॉर्मल गेन का इफेक्ट भी हम प्रोडक्ट की कॉस्ट पर नहीं डालेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एबनॉर्मल गेन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप प्रोसेस से एंट्री लाओगे, और ये मानते हुए कि देखो अब ये क्या शो हो रहा है, ये शो हो रहा है कि 250 यूनिट्स हमने एक्स्ट्रा बना ली थी, ठीक है, और हमारी 600 यूनिट लॉस हुई। तो एक्चुअल में तो आपकी कमी यूनिट लॉस हुई ना, अगर इसको मैं एक नॉर्मल उसमें कहूं तो। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि मेरी 10 यूनिट्स बेकार हो गई और 4 यूनिट्स मैंने ज्यादा बनाई, तो एक्चुअल में उसकी कितनी यूनिट बेकार हुई, 6। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। तो हम क्या करते हैं कि एबनॉर्मल गेन में यह प्रोसेस के ट्रांसफर एंट्री लिख के या हेडिंग लिखते हैं टू नॉर्मल वेस्टेज, मतलब इस 250 यूनिट्स से ज्यादा बनने से जो फायदा हुआ है उससे आप अपने नॉर्मल लॉस को थोड़ा कम कर दोगे, ठीक है। तो एबनॉर्मल गेन की 250 यूनिट्स आप किस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, नॉर्मल लॉस अकाउंट में, किस रेट पर, वही उसकी सेल ऑफ स्क्रैप की रेट पे। तो इससे आपका नॉर्मल वेस्टेज का लॉस थोड़ा कम हो जाएगा और बाकी का जो डिफरेंस बचता है वो कॉस्टिंग पीएनएल में जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका एबनॉर्मल गेन। अब आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखेंगे, और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो अपना जो शेड्यूल्ड टाइम है उसमें मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।